भी पेस्ट करने हैं या फिर आप उनकी डेंटी राइट कर सकते हैं। पेज नंबर 6, फैमिली चेंज आफ्टर मैरिज, शादी के बाद परिवार का चेंज होना। व्हेन सुनीता गॉट मैरिड, जब सुनीता की शादी हुई, शी हैड टू लीव हर स्कूल जॉब इन मुंबई एंड मूव टू दिल्ली। जब सुनीता की शादी हुई तो उसने अपनी जो मुंबई की जॉब थी वो छोड़ दी थी और वह दिल्ली में आ गई थी। वेयर हर हस्बैंड एंड हिज फैमिली वाज स्टेइंग, जहाँ उसके हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर रहते थे। सुनीता की फैमिली वाज अ जॉइंट फैमिली, सुनीता का नया परिवार एक जॉइंट फैमिली था। शी लिव्ड विद हर हस्बैंड, हर हस्बैंड वह अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। आगे बताया गया है कि हर हस्बैंड मदर हु वाज हर मदर इन लॉ, जो उसके हस्बैंड भी ना थी बस सुनीता की कौन थी सास मां मदर इन लॉ, एंड जो उसके हस्बैंड के फादर थे वो सुनीता की कौन थे ससुर जी। इसी प्रकार आगे बताया गया है जो सुनीता के हस्बैंड के एल्डर ब्रदर थे, बड़े भाई थे, वह कौन हुए उसके जेठ जी। तो वह भी उसी परिवार में अपनी वाइफ और दो बच्चों के साथ रहते थे। आफ्टर टू ईयर्स ऑफ मैरिज नेहा वाज बॉर्न, शादी के दो साल बाद नेहा पैदा हुई। सुनीता की फैमिली थी, अब इसी प्रकार सुनीता का फैमिली भी बताया गया है कि सुनीता की फैमिली में कौन कौन रहते थे। आपको भी इसी प्रकार अपने नोटबुक में बताना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है। सून आफ्टर मैरिज सुनीता गॉट बिजी विद हर न्यू फैमिली एंड इट्स वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जल्दी ही सुनीता की शादी के बाद सुनीता अपने कामों में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई और अपने कामों में बिजी हो गई। शी टॉट नेहा हाउ हर सरनेम वाज चेंज्ड आफ्टर शी गॉट मैरिड, उसने नेहा को बताया, सुनीता ने नेहा को बताया कि शादी के बाद कैसे उसका सरनेम चेंज हुआ। बिफोर मैरिज शी वाज सुनीता गुप्ता, शादी से पहले वो कौन थी, शादी से पहले उसका नाम था सुनीता गुप्ता, पर शादी के बाद उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, सुनीता गुप्ता अगुवा। नेक्स्ट हाउ आर बेबीज बोर्न, आगे बताया गया है बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वन कॉमन फीचर्स बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स इज दैट दे प्रोड्यूस यंग मच। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स मानवों में एक समानता होती है कि वह बच्चों को पैदा करते हैं। The process through which animals and human beings produce more of their own kind is called reproduction. और humans और animals को इस process को क्या कहते हैं, reproduction. Human beings and some animals such as cow, human beings, मानव and animals जैसे cow, dog, cat and lions give birth to young ones, बच्चों को पैदा करते हैं। Such animals are known as mammals और ऐसे animals को क्या कहा जाता है, mammals का मदर्स होम। माँ के गर्भ में द ग्रोइंग बेबीज आर प्रोवाइडेड विद फूड एंड ऑक्सीजन, बेबीज को ग्रोइंग करने के लिए बढ़ाने के लिए उन्हें फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, उनको दिया जाता है। वुमन बेबी टेक्स 9 मंथ टू बी बोर्न, वुमन बेबीज को कितने टाइम लगता है पैदा होने में, 9 महीने। बर्ड्स फिश इंसेक्ट्स स्नेक्स एंड लिजर्ड आर एनिमल्स दैट ले एग्स, बर्ड्स इंसेक्ट्स फिश एंड एनिमल्स एग्स